दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9810089168। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान की ओर से बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी। इसके साथ ही अमेरिका ने दावा किया है कि वह दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती एवं लेखिका फातिमा भुट्टो ने पाकिस्तान की इमरान सरकार से भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय विमान MiG-21 के क्रैश होने के बाद अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद अभिनंदन को जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरा देश एक है और हमारे जवान के साथ खड़ा है, हमें सेना पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी पराक्रमी भारत के नागरिक हैं और देश की समृद्धि के लिए हमें संकल्प लेकर सोचना होगा, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान के साथ कुछ भी बुरा किया तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान कंधार जैसा हालात बनाना चाहता है, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन के लौटने के बारे में कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो कल विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा कर देंगे, जिससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई के डर से ऐसा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों को 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने संबंधी अपने 13 फरवरी के निर्देश पर आज रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले जंगल की जमीन पर इन वनवासियों के दावे को अधिकारियों ने अस्वीकार कर लिया था। भाजपा कार्यकर्ता के साथ नमो ऐप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूरा देश वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के लिए व्याकुल है, ऐसे वक्त में पीएम देश की सत्ता में बने रहने के लिए व्याकुल है। आगामी लोकसभा चुनाव के घोषणा से पहले मोदी सरकार अटके हुए प्रस्तावों पर जल्द फैसला लेने की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में 30 से ज्यादा अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान ने मंगलवार से ही लगातार भारतीय सीमा पर गोलाबारी शुरू कर दी है, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज 36 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजीव सक्सेना को मजिस्ट्रेट के समक्ष 2 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि राजीव सक्सेना ने इस मामले में सरकारी गवाह बनने की याचिका दाखिल की है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बीच कर्नाटक के सीएम HD कुमारस्वामी ने एक बयान जारी करते हुए कर्नाटक की जनता से कहा है कि अगर आप कांग्रेस और JDS को कर्नाटक में एक बार फिर से 20 से 22 सीटें देते हैं तो कन्नड़ भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेठी दौरा को लेकर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी का दौरा किया और जायजा लिया। उन्होंने गौरीगंज के गुरुकुल ज्ञान अकादमी में पीएम नरेंद्र मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पीएम आज नमो ऐप के जरिए देश भर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवियों के साथ सीधा संवाद किया था।
छत्तीसगढ़ के सुकमा नारायणपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने आज सुबह मुठभेड़ के बाद एक नक्सली को मार गिराया, जबकि अन्य नक्सली मौके से भागने में कामयाब हो गए, जिसके बाद मौके से नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद गुरुवार को सुबह कई इलाकों में पहाड़ दरकने लगे, जिस कारण भरमौर पठानकोट मार्ग परिहार के पास भारी भूस्खलन से वाहनों का आवागमन 2 घंटे तक बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 3 मार्च को एनडीए की प्रस्तावित रैली में विस्फोट की अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसे फॉलोअप करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साथ इस रैली में ज्यादा लोग न पहुँच पाए। पंजाब नेशनल बैंक ने आज कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.10% की कटौती कर दी है। बताया जा रहा है कि यह कटौती विभिन्न समयावधि के कर्ज के लिए दी गई है। एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि विटामिन सी डायबिटीज से पीड़ित लोगों के बढ़े हुए शुगर लेवल को पूरे दिन कम रखने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा विटामिन सी के प्रयोग से डायबिटीज के टाइप 2 से जूझ रहे लोगों को रक्तचाप कम करने में भी मदद मिलता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारियों के लिए 1065 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 5 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाथों T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेलने वाले विपक्षी टीम के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब मैक्सवेल इस तरह का एक पारी खेलते हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसमें ग्लेन मैक्स ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर नवाद 113 रन बनाए। अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित सहित सारे सितारों वाली फिल्म टोटल धमाल ने बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज के 6 दिन 88 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, लेकिन इस फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस कंगना रनावत अपकमिंग मूवी मेंटल है क्या में साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि यह एक कॉमेडी फिल्म है जो 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। RBI जल्द जारी करेगा 100 रुपए के नए सीरीज के नोट, गवर्नर शक्तिकांत दास के होंगे हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, घबराए नहीं, इस बार पुराने नोट बंद नहीं होंगे, लेकिन 100 रुपए के नए नोट नई सीरीज जारी की जाएगी। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जल्द ही 100 रुपए के नए सीरीज वाले नोट जारी करेगा। इन नोटों पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। इन नए नोटों का डिजाइन मौजूदा समय में चल रहे 100 रुपए के नोट की तरह ही होगा। इन नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी नई सीरीज के 100 रुपए के बैंक नोटों के सम्मान है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक तोड़ना होगा भारी, घर बैठे सीधे आएगा ये चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सड़क सुरक्षा को देखते हुए एक नई मुहिम शुरू की है। इसमें मारुति और दिल्ली पुलिस की तरफ से रेड लाइट डिटेक्शन एंड स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम को शुरू किया गया है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ से अब ये ई चैलेंज जारी कर दिया जाएगा, जो कि सीधे रूल तोड़ने वाले के घर पर भेजा जाएगा। बता दें कि मारुति सुजुकी की तरफ से इस पूरे सिस्टम में 16 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। ये सिस्टम धोलाकुआं और सराय कालेखां के बीच के 14 किलोमीटर के कॉरिडोर को कवर करेगा। रियलमी ने पाकिस्तान पर हुए हमले को लेकर भारतीय एयरफोर्स के लिए ट्वीट किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या ट्वीट किया रियलमी ने IAF के लिए। ट्वीट में रियलमी ने कहा, इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मजबूत, गर्व और सुरक्षित रखने के लिए अभिवादन करते हैं, इसे कहते हैं असली जोश और ताकत। इसके साथ कंपनी ने शूट और रियलमी हैशटैग भी जारी किया। देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान काफी करीब देश हैं, ऐसे में चीनी कंपनी का IAF द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक का समर्थन करते देखना काफी दिलचस्प है।
सीमा सुरक्षा बल BSF में 1763 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन, 4 मार्च तक 10वीं पास के लिए मौका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल BSF ने पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों को कांस्टेबल के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 4 मार्च 2019 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल GD के साथ 1763 पद के लिए निकाली जाएगी भर्ती। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 4 रियर कैमरे के साथ होगा पेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिणी कोरिया कंपनी सैमसंग इस वर्ष के आखिरी तक गैलेक्सी नोट 10 लॉन्च कर सकती है। खबरों के मुताबिक ये फोन 4 रियर कैमरे से लेस होगा और इस फोन में 6.66 इंच इन्फिनिटी और डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस फोन की एक्सपेक्ट रेशियो 19:5:5 है। इसमें 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस फोन के साथ आने वाले एस पेन में कैमरा दिया जा सकता है। नोकिया और एयरटेल ने मिलाया हाथ, 5G के लिए ट्रायल होगा शुरू। जी हां दोस्तों, फोन निर्माता कंपनी नोकिया टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी की है। इसके तहत एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर 5G, 4G और एंटरप्राइजेस सर्विस के सपोर्ट करने वाला नया फोन टोल सॉल्यूशन टेस्ट किया जाएगा। कंपनी ने दावा किया है कि यह एयरटेल की नई स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है जो इस नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए है। ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर 5G सर्विस की विस्तार की दिशा में एक साथ काम करेंगी। एयरटेल के CTO रणदीप सेखों ने कहा, मोबाइल ब्रॉडबैंड की बढ़ती मांग और वर्ल्ड क्लासिक डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को अपग्रेड करना जरूरी है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि नोकिया हमारे साथ पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ है और 5G के लिए भी हम इसका साथ चाहते हैं। जंगल के बीचों बीच मरी मिली 26 फीट लंबी व्हील। जी हां दोस्तों, चौंकिए मत, साउथ अमेरिका की अमेजोन नदी वहां की सबसे बड़ी नदी है। हाल ही में एक अजीब वाकया सामने आया है। अमेजोन के जंगल के बीचों बीच एक व्हील मछली मरी हुई मिली। इसकी लंबाई 26 फीट थी। अमेजोन के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आईलैंड का नाम आइलैंड ऑफ माराजो है। इस व्हील की मौत कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है। उनका कहना है कि हाई टाइड्स के कारण ये व्हील इस आईलैंड पर पहुंची। सड़क हादसे को कम करेगा बजाज डिस्कवर 110 में शामिल हुआ ये नया फीचर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बजाज डिस्कवर 110 भारतीय बाजार में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम CBS फीचर के साथ लॉन्च हो गई है। बजाज ऑटो की तरफ से ये बजाज डिस्कवर 110 CBS के एक्स शोरूम की कीमत 53,273 रुपए रखी गई है। बजाज डिस्कवर 110 CBS नॉन CBS मॉडल के मुकाबले 563 रुपए महंगी है। दरअसल भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से जो बाइक्स 125cc से कम है उनमें CBS को अनिवार्य कर दिया है। ट्रैक बाइक साइकिल की 4 साइकिल्स भारत में हुई लॉन्च, कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रैक बाइसाइकिल ने डोमेन AL सीरीज की 4 रोड बाइक्स को लॉन्च कर दिया है। इनमें से 2019 डोमेन AL2, AL3, AL4 और AL5 शामिल हैं। ट्रैक बाइसाइकिल की 2019 डोमेन AL सीरीज की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 57,999 रुपए है। इसी ट्रैक के पैटर्न वाला 100 सीरीज अल्फा एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। इससे ये साइकिल ज्यादा मजबूत होने के साथ और हल्की है, वहीं इनमें बेहतर कंट्रोल भी मिलता है। बात करते हैं अपनी अगली खबर। प्रियंका निक की कैंडिड तस्वीरें तेजी से हो रही हैं वायरल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्कर 2019 के रेड कारपेट पर कई बड़े सेलिब्रिटी शरीक हुए और इस लिस्ट में कई बड़े हॉलीवुड स्टार्स के बीच शामिल थी भारत की प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस। ब्लैक कलर के खूबसूरत गाउन में प्रियंका और ब्लैक सूट में निक एक साथ बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें खुद प्रियंका ने भी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की है। प्रियंका और निक हर तस्वीर में परफेक्ट कपल लग रहे हैं और प्रियंका के फैंस को उनकी ये पिक्चर्स काफी पसंद आ रही है। विंग कमांडर अभिनंदन मामले में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह हवाई मुकाबले में नियंत्रण रेखा पर MiG-21 के कॉम्बैट पायलट ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, जिसमें हमारा विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और MiG-21 के पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के एरिया में जा गिरा था, जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई है कि भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व सूझबूझ से काम लेंगे और वे आर्थिक विकास की ओर लौटेंगे। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से स्थिति काफी तनावपूर्ण चल रही है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चल रही तैयारियों के बीच आज भाजपा का महासंवाद कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके तहत PM नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए देश भर के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवियों और समर्थकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है।
कोलकाता में एसटीएफ ने जाली नोट के साथ दो लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन दोनों के पास से 2,000 के 7,00,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं, जिसके बाद फिलहाल एटीएस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर आगे और क्या संलिप्तता हो सकती है उसकी गहन छानबीन में लगी हुई है। अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह 6 बजे के करीब कृष्णा घाटी सेक्टर में सीमा रेखा के नजदीक पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। शिवसेना ने कहा है कि जब तक दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान नष्ट नहीं हो जाता तब तक विश्व में शांति संभव नहीं है। साथ ही शिवसेना ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जैसे देश केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है और पूरे दुनिया में आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। जहां कहीं भी आतंकवादी हमला होता है वहां पाकिस्तान का नाम जरूर जुड़ा हुआ होता है। कर्नाटका भाजपा के प्रमुख बीएस येदुरप्पा ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी कैंप पर भारत के अचानक किए गए हमले से पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर बन गई है और इससे बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 28 में से 22 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही येदुरप्पा ने कहा है कि भाजपा की लहर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए तीनों सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 24 घंटे में 2 बार मीटिंग हो चुकी है और आज एक बार फिर से सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में कैबिनेट कमेटी की ऑनलाइन सिक्योरिटी पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ अगली कूटनीति और सैन्य रणनीति पर विचार विमर्श किया जा सकता है। पुलवामा मामले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को बुधवार को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने ज्वाइंट रूप से पेश किया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो से फोन पर बात की है, जहां पोम्पियो ने जैसे मोहम्मद के कैंपों पर भारत के हमलों का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संरक्षण में फल फूल रहे आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद द्वारा पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित जैसे मोहम्मद के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था, जिसमें 300 से 400 आतंकी मारे गए थे। भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में है, इसकी पुष्टि हो गई है, जिसके बाद भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान के कब्जे से रिहा कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और इसके लिए पाकिस्तान पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे अभिनंदन को रिहा करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को भारतीय सीमा में घुसे जिस पाकिस्तानी विमान F-16 को भारत ने मार गिराया था उसका मालवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मिला है। आपको बता दें कि इस विमान को भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान ने खदेड़ कर मार गिराया था, जिसके बाद हमारा विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस विमान को अभिनंदन वर्तमान चला रहे थे जो वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसके बाद पाकिस्तान ने उसे अरेस्ट कर लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 4.8 थी। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके सुबह 5:30 बजे महसूस किए गए और फिलहाल शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी भी तरह का कोई नुकसान के खबर नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और समाज के अलग अलग तबकों से नमो ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे संवाद करने पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर हमला करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब जंगी संकट के बादल छाए हुए हों, देश को नेतृत्व की सख्त जरूरत है। उस समय पीएम मोदी देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहे हैं।
बॉलीवुड के पार्श्व गायक कुमार सानू ने भी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की बात कही है। कुमार सानू ने कहा है कि पाकिस्तान के कलाकारों पर रोक लगा देनी चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच जैसा माहौल चल रहा है उसको देखते हुए पाकिस्तानी कलाकारों को कभी भी भारत में काम नहीं देना चाहिए। दिल्ली NCR में एक बार फिर से पहाड़ की ओर से आने वाली सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है, जिससे यहां पर एक बार फिर से पारा लुढ़कने लगा है, जिससे दिल्ली NCR में बीते सोमवार से लेकर आज तक सर्दी ने दस्तक दी है। दिल्ली के IITM जनकपुरी में कॉलेज फेस्ट आयोजित किया गया, जहां कई जाने माने सिंगर्स ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। आइए देखें हमारे संवाददाता अनस सैफी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखें मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अनस सैफी और आप मेरे पीछे अभी इस वक्त ये भीड़ देख सकते हैं, हजारों की तादाद में इस वक्त पब्लिक यहां पर आई हुई है। ये पब्लिक है IITM कॉलेज की और यहां पर आज एक फेस्ट हो रहा है। फेस्ट में बहुत स्पेशल सिंगर आए हुए हैं, बॉलीवुड से हमारे बीच हैं फरहान शब्बीर जी और अमन सिंह जी, इनसे बात करेंगे थोड़ा सा और कॉलेज की थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनका, सर बाजी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए बाजी कि आप इतना लंबा सफर आपने तय किया है, आपने वॉइस ऑफ इंडिया में भी आप रहे हैं, तो बॉम्बे की अगर बात करी जाए तो बॉम्बे सपनों की दुनिया कहा जाता है, वहीं दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली दिलवालों की है, तो कहाँ आपको ज़्यादा क्राउड मिलता है बॉम्बे और दिल्ली में अगर करा जाए तो? क्राउड की जहाँ तक बात है वो बॉम्बे का भी बहुत अच्छा है और दिल्ली का तो सुपर है। मतलब दिल्ली के जो क्राउड की अगर बात की जाए तो दिल्ली का क्राउड ऐसा है कि आप अगर परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपसे ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाते हैं, आपको एनर्जेटिक होना चाहिए स्टेज के ऊपर। तो हर जगह का मेरे हिसाब से तो एनर्जी अगर स्टेज पर है तो जगह कोई भी हो, दिल्ली मुंबई उससे मैटर नहीं करता, आप अगर एनर्जी में है तो पब्लिक भी एनर्जी में होगी। अच्छा, IITM में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये पब्लिक इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, मुझे IITM कॉलेज दिल्ली ये जो इंस्टीट्यूट है इससे बहुत प्यार हो गया। मैम सेकेंड टाइम यहाँ पर परफॉर्म करने आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जब आया था तो मैं मतलब परफॉर्म करता था लेकिन उस लेवल का नहीं करता था। अभी हाल फिलहाल मैंने एक दिल्ली वॉइस ऑफ दिल्ली जीता, उसके बाद काफ़ी फेम काफ़ी नाम मिला बिकॉज ऑफ मलिक म्यूजिक इवेंट्स संजय मलिक जी के थ्रू, तो वो इवेंट्स मैंने वो उनके बहुत सारे करे, उसके बाद में आज का इवेंट में उन्हीं पर हूँ, उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पर आज परफॉर्म कर रहा हूँ। चलिए अभी और भी बात करेंगे IITM के कॉलेज से थोड़ा सा। मैम ये बताइए कि आप ये जो कॉलेज है अबाउट द कॉलेज थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली वी आर अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमारे तीन इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। हमारा कॉलेज करीबन 20 साल पुराना है एंड वी आर रनिंग कोर्सेज जो IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से एफिलिएटेड हैं। हमारे यहाँ BCom, BBA, BCA, MBA, MCA ये सारे कोर्सेज रन होते हैं और IP यूनिवर्सिटी we are one of the best colleges and we are this fest which we are organizing is a traditional and culture of the institute and you are seeing सारी चीजें बच्चों ने ही ऑर्गेनाइज की है और ये पूरा इवेंट एक स्टूडेंट ड्रिवन इवेंट है। अच्छा मैम अगर बात की जाए फ्यूचर की तो फ्यूचर क्या सोचा है आपने? अब फ्यूचर देखिए दो तरह से है, एक तो एक करिकुलर इवेंट जो हम ये करते हैं पिछले 6 सालों से करते आए हैं और हर साल बड़े से बड़ा कर रहे हैं। आज आप यहाँ Day 1 पे हैं, Day 2 में तालकटोरा में होगा जहाँ पे हमारा ये सेलिब्रिटी इवेंट है। बट एज फार एज द प्लेसमेंट्स आर कंसर्न IP यूनिवर्सिटी में हमारे हाइएस्ट प्लेसमेंट हैं, तो हम बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट व्यू देते हैं। आज आपने इतने अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर सुनाए पब्लिक के अंदर, अच्छा बात करिए आपकी तो आप किसको सुनना पसंद करते हैं? मेरे फेवरेट हैं ऋचा शर्मा जी। कोई छोटा सा गीत अगर 2 लाइन गुनगुना दिया जाए। बहुत अच्छा गाया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि कहते हैं सिंगिंग के लिए रियाज में बहुत ज़रूरी है, तो कभी ऐसा भी होता है कि खट्टा मीठा से इसमें रियाज करना हो या फिर इन चीज़ों को अलग कर देना हो, इन चीज़ को इग्नोर कर देना, ऐसा कुछ भी होता है? देखो त्याग तो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ती है चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोगों का भी मन करता है, बट हाँ
करना पड़ता है। शांत प्रकाश मेरा नाम है, आई एम एंकर प्लस सिंगर एंड आई एम वर्किंग इन दिल्ली ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। और IITM कॉलेज में आज आके मैंने जो शो होस्ट किया है, आप क्राउड देख सकते हैं एक क्राउड का रिस्पॉन्स कैसा है, एंड कंटिन्यूसली हंसना हंसाना और गाने सुनाना और एक्टिंग करके दिखाना मेरा काम। निशांत प्रकाश मेरा नाम, यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी मैं निशांत प्रकाश के नाम से ही हूँ। और मेरा मोटिव ओनली है कि लोगों के चेहरे पर हैप्पीनेस रहे, चाहे कैसे भी हो, कैसे भी पीरियड्स हो, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत देखने पड़ते हैं लाइफ में, एंड आई बिलीव कि आप हैप्पी रहें। तो दोस्तों देखा किस तरह से आपने क्राउड देखा, क्राउड के बाद बातचीत करी, हमने कुछ सिंगर से बॉलीवुड सिंगर्स यहाँ पे थे, और उसके बाद हमने IITM के मैनेजमेंट से हमने बात करी और उन्होंने किस तरह से बताया कि अबाउट द कॉलेज क्या क्या सोचा है उन्होंने और फ्यूचर उन्होंने किस तरह से अपना एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और अब तक कोई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है वो सब उन्होंने हमारे साथ बताया। आज दिन था पहला, दूसरा दिन अभी बाकी है क्योंकि फेस्ट ये पूरे दो दिन का है, आज एक दिन पूरा हो चुका है, कल बात है। कल जो सिंगर आ रहे हैं वो बॉलीवुड के ही बहुत मशहूर सिंगर है, पंजाबी सिंगर है मनक्रीत औलख जी, और वो आएंगे, सीधा उनके पास चलते हैं कल, और उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे कहानी दिखाते रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 देखते रहिए, मैं अनस सैफी कैमरा पर्सन हितेश के साथ। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।